भौरा पंचायत के फुलवरिया पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे राहगीरों को आगमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है, जो मुख्य सड़क माना जाता है। हालांकि सड़क क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर विभाग ने मरम्मत कार्य किया गया था। वही ग्रामीण ने बताया कि सिर्फ खानापूर्ति की वजह से फिर सड़क क्षतिग्रस्त हो रहा है। बताते चले कि रतुआ नदी घाट पर रामपुर पुल बना हुआ है, जिससे लाखों की आबादी इससे आगमन करते हैं। भारत नेपाल सीमा सड़क पर पुल के पास क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को आगमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहा तक कार्य नहीं किया गया तो पुल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिससे आगमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बताते चले कि यह सड़क भारत नेपाल सीमा से बहादुरगंज, किशनगंज, अररिया, ज्योति, पलासी इत्यादि जगह के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन फिर एक बार से सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। खनियाबाद पंचायत के वार्ड संख्या 13 में पुल नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी करने में मजबूर है। चिचोरा गांव के लोग रोज कृष्णा नदी पार करके आवागमन करते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन या जनप्रतिनिधि के द्वारा उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। नदी में पानी गहरा होने के बावजूद बच्चे और महिलाएं रोज नदी पार करते हैं। ग्रामीण ने बताया कि एक तो इस नदी पर पुल नहीं है, ऊपर से नदी पार करने वाले मार्ग पर मछुआरों द्वारा बांस, बल्ली, जाल आदि लगाकर स्थानीय ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों हरि प्रसाद ने बताया कि शाम में जब मवेशियों को उस पार से लाया जा रहा था, तभी 5 मवेशी जाल में फंस गए। जैसे तैसे 4 मवेशियों को ग्रामीणों द्वारा नदी से निकाला गया, लेकिन एक मवेशी जाल से नहीं निकल सका और उस मवेशी की डूबकर मौत हो गई। मवेशी के मरने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं ग्रामीण इंद्रलाल हरिजन को भी कल नदी पार करते समय बांस बल्ले में गहरी चोट आई। इस मामले में ग्रामीणों में अंचल अधिकारी अजय चौधरी को सूचना दिया गया। अंचल अधिकारी ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वो पशु आपका ही था क्या? हाँ, हम लोग का। आपका क्या नाम हुआ? हरि प्रसाद हरिजन। अच्छा, 13 वार्ड पंच में है। अच्छा, तो पशु की मृत्यु कैसे हुई थी? ये तैरने के कारण से हुआ, जाल में फंसने के कारण से हुआ ऐसा घटना। अच्छा, इधर से तैर के गया, वहाँ खूब रेत था तो उसी का जाल में फंसने से ही मृत्यु हो गया। वहाँ चार को तो उठा लिए हैं, किसी तरह से एक फंस के रह गया वहीं। अच्छा, 4 पशु और भी थे? हाँ, 5 पशु था सब मिलकर के, 2 4 को उठा लिए। अच्छा। और एक वहाँ रह गया, वहाँ फंसा हुआ।